फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करना, उसके बाद सिस्टम के ऊपर से स्लाइड करना, स्विच के ऊपर क्लिक करके वाईफाई पे लॉन्ग प्रेस करना। यहाँ पे आपके डिवाइस का, मोबाइल का जो भी पर्सनल नेम रहेगा हॉटस्पॉट का, वो आ जाएगा नेम। अभी मेरे मोबाइल का अमोल नाम है, उसका जो भी अपने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड डाल देना। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड लिख कर आएगा, होने के बाद होम बटन दबाना। उसके बाद इसमें एक फ़ोन लिंक एप्लीकेशन है, उसे ओपन करना। आपके पास बारकोड स्कैनर है मोबाइल में, तो मोबाइल फ़ोन और बारकोड स्कैनर, यहाँ पे आप स्कैन करके ये एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ये नहीं आपको जम रहा है तो हम लोग आपको एक एप्लीकेशन भेजेंगे व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप पे ऐसा टीमा नाम का एक एप्लीकेशन आएगा, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। हो गया डाउनलोड, डाउनलोड होने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके मोबाइल का होम बटन दबाना, सेटिंग में जाना। सेटिंग में देखो, अबाउट फोन में एक डेवलपर ऑप्शन फंक्शन रहता है, बिल्ड नंबर रहता है, तो बिल्ड नंबर के ऊपर आपको 7 टाइम ऐसा क्लिक करना है, 6 7। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक डेवलपर ऑप्शन क्रिएट होगा, वो डेवलपर ऑप्शन आपके अबाउट फोन में, अबाउट फोन के नीचे या सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। ये देखो डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन आपको ओपन करना है। उसके बाद उसके अंदर है USB डिबगिंग, USB डिबगिंग को ऑन करके ओके करना है। अब इस होम बटन दबाना है आपको, और आपका ये टीमा एप्लीकेशन आपने जो डाउनलोड किया है उसे ओपन करना है। चेक करना आपका वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपका मोबाइल को ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर देना। कनेक्ट होने के बाद उसे बैक करना। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड USB और एंड्रॉयड वाईफाई, तो केबल एट ये देखो यहाँ पे एक अलाउ करने के लिए आएगा, अलाउ कर देना। पावर डिस्प्ले, उसके बाद मोबाइल में आपका ओरिजिनल जो केबल है, जो मोबाइल के साथ आया हुआ है USB डेटा केबल बोलते हैं इसे, वही यूज करना। नॉर्मल आपका चार्जिंग केबल रहता है जो कार चार्जर के साथ आता है, वो डेटा केबल नहीं रहता है, वो गाड़ी के ओरिजिनल USB सॉकेट में आप प्लग करना। उसके बाद मोबाइल को प्लग करना। इसमें एक देखो मार्किंग करने के लिए आएगा, उसे मार्क करके अलाउ कर देना। ये अलाउ होने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, आपको एंड्रॉयड USB से करना है तो एंड्रॉयड USB कर सकते हो, नहीं तो एंड्रॉयड वाईफाई। मैं पहले ही USB लगा के ही आपको एंड्रॉयड वाईफाई फर्स्ट टाइम करना है। करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट नाउ करने के लिए आएगा, उसे सेलेक्ट कर देना। आपका डिस्प्ले आने के बाद आपको इसे ऑन करना है, अलाउ डिस्प्ले और उसे ऑन करना है। बैक होम बटन पर डिस्प्ले आ गया। उसके बाद आपको केबल आपका रिमूव करना, तो ये हो गया आपका वायरलेस डिस्प्ले। जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो कोई भी एक वीडियो आपको देखना है, खाली इसमें YouTube का वीडियो देखेगा, जैसे रोटेट करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। बस अभी आपको एक कैंसिल करना है, तो यहाँ पे एक एरो दिया है, लास्ट वाला सिंबल है एग्जिट, तो आप एग्जिट कर सकते हो। बस कर, बस पास करें।